गाइस अभी जल्दी इसलिए उठना पड़ा क्योंकि मैंग भाई की प्लेटलेट्स जो हैं वो 30,000 हो गई हैं। तो यार उनको पपीता का पत्ता चाहिए जो कि एग्रीकल्चर ब्लॉक में मिलेगा, तो अभी वहीं जा रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड। बाकी ये साइकिल देख रहा हूँ स्कैन करके, चलती है नहीं चलती, चल मारने पड़ रहे हैं क्योंकि इसमें बैटरी ही नहीं है, ख़त्म हो गई। कैड़ा हो रहा है और ऐसे मौसम में साइकिल चलाने का इस रोड पर अलग ही मज़ा है। देखो आ रहा है पैडल मारने में, इलेक्ट्रिक से ज़्यादा बढ़िया लग रहा है पैडल मारने में। पहले तो आलसपन लग रहा था, अब मस्त लग रहा है। इधर साइड हमारी एग्रीकल्चर फील्ड और ये एग्रीकल्चर की बिल्डिंग। आप एग्रीकल्चर फील्ड से? हाँ जी सर। तो मुझे अलाउ होगा क्या? पपाया के लीफ चाहिए था भाई। अलाउ या निकल जा, कुछ भी बोलेंगे, जाना है फील्ड में सर वहाँ। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से नहीं हूँ तो मुझे यार इतना अलाउ नहीं है, बट मैं जा सकता हूँ। अभी लोअर बहना हूँ, लोअर में तो वैसे ही यार अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए अगर नहीं हो पाया पपाया लीव का इंतजाम तो मैं खुद पैंट पहन के चले जाऊँगा। नहीं पैंट डाल ली, मैं ही जा रहा हूँ अभी लीव्स लेने एग्रीकल्चर में। कह दूंगा मेडिकल है, इमरजेंसी है। यार एक बात का जरूर घमंड है कि कभी मतलब के लिए यार ही नहीं करी, और जो बंदा यार प्यार से ही बोल जाए ना उसके लिए भी जान वार दी। यार सब लोग अपनी मतलब दिखाई देते हैं। अभी मैं जब लीव्स लेने आया तो गार्ड सर अलाउ नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट का था ही नहीं। कहते कि सुपरवाइजर से लिखवा के आओ, मैंने बहुत रिक्वेस्ट कर ली फिर भी अलाउ नहीं करा। फिर कहते चलो HOD से लिखवा के लाओ, तो यार मैं HOD सर के पास गया और ये उनने लिखा है कुछ, अब इसके बाद मुझे अलाउ हो जाएगा अंदर जाने को। ये भाई पूरी एग्रीकल्चर मतलब पूरी गाँव, ये तो ज़रा सा पॉली हाउस है, बाकी एग्रीकल्चर फील्ड तो वो है बहुत एंड तक। फिलहाल ये पपाया के पेड़, इनसे जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं लीव्स। भाई गार्ड ने अलाउ करा अंदर जाने को, फिर यार तुम एक और बंदा आ गया कि तुम बगैर पूछे क्यों तोड़ रहे हो। फिर मेरा दिमाग सटक गया, मैं कहा भाई क्या लगा रखा है यार, बगैर पूछे क्या HOD की परमिशन है, इतनी देर हो गई यार तुम लोगों को दौड़ाते हुए, कोई एमरजेंसी में ये वो। मैं ठीक करके सुना क्या, अच्छा तोड़ लो यार। कुल मिला के यार लीव्स कलेक्ट कर ली और अभी कृष्णा है जा रहा है, वो दे आएगा। मिली अपने हर्षित भाई से काफ़ी टाइम बाद। परसों रात तगड़ा प्रैंक कर दिया इसमें। फ़ोन कर रहे हैं तो लड़की की आवाज़ में रोते रोते हमें लगा वो वापस आ गए। एक्चुअली हुआ क्या था, 11:11 पे हमने विश मांगी और 11:14 तुम्हारा फ़ोन आ गया भाई। 11:14 पता चला कि वो वापस आ गई। अगले दिन कहता कि मैं साइबर सिक्योरिटी में रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, मोहम्मद सैदान बोल रहा हूँ उसके पापा। मैं हैं यार वो तो यादव है यार, मोहम्मद सैदान, मैं कौन है भैया, मैं ब्लॉक कर दिया, मुझे पता था कोई मज़े ले रहा होगा। मैं यार वो यादव है उसके पापा मोहम्मद सैदान। गर्मी ने यार और मार रखा है यार, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, पूरी शर्ट देखो आगे से और पीछे से तो पूरी भीगी पड़ी है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मुझे तो यार वैसी इतनी ओवर लगती है, प्लास्टिक थी नहीं पूरे रूम में। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं। हाँ वाटर कूलर वो सही नहीं, कंप्लेंट डाली थी अब तक कोई आया है नहीं, कूलर वो सही नहीं है तो पैसे का बात के ले रहे हो भाई, फैसिलिटी तो दो कम से कम। देखना ये तो तुम्हारा वाटर कूलर है। व्लॉग कर दिया अपलोड, अब भूख लग रही है यार, तो सारी लाइटें और फैन ऑफ करके चलते नीचे मैस में खाना खाने। अभी यार कूलर देखो कितना गंदा पानी है इसमें, ये देखो। तो यार मलेरिया नहीं होगा तो क्या होगा, तो इसको मैं निकाल दे रहा हूँ, उससे पहले बटन बंद कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा गंदा पानी है, स्मेल मार रहा है बहुत गंदी। और यार जैसे जिस चलता है तो कूलर की है, मतलब कूलर पानी फेंकता ही अंदर, तो वो जाके चिपक जाता है वॉल पे और कपड़ों पे, उसके बाद जब ये नहीं चलता है ना बहुत गंदी स्मेल आती है। फिलहाल ये देखो देसी तरीका, ज़्यादा ही परेशान हो अपनी लाइफ से तो एक एक गिलास ये पानी पी लो। सर्फ एक्सल ले आया हूँ यार और इसमें डाल देंगे जिससे पानी चलेगा तो अच्छी खुशबू आएगी। भाई अभी नीचे जा रहा हूँ वार्डन सर के पास क्योंकि पेपर लेने हैं उनसे, और जो भी अपना अलमीरा में सेट करना है, और कूलर के साइड में गैप है उसमें भी लगाने हैं। और अभी वाटर चेंज करा है कूलर का, तो यार अभी नहाना भी पड़ेगा। बस यही है यहाँ आके मैं कंट्रोल हो गया, वरना बहुत बहुत ज़्यादा ओवर गुस्सा आता था मुझे, इतना ज़्यादा पैसा ले रहे हैं और फैसिलिटी घंटा पुराने रखे हैं सर। कूलर के साइड में गैप है वो बंद करा, वो आर्म डाल दो, प्लाई लग लेगी, आर्म डाल दो, प्लाई लगा लेंगे, आर्म डाल दो प्लाई। आर्म से कोई बंदा आएगी तो बी ब्लॉक का वाटर कूलर खराब है। रूम बोलो 323 थर्ड फ्लोर, पूरा वाटर कूलर खराब है, सारे बच्चे उधर जा रहे हैं सी ब्लॉक में, पानी नहीं आ रहा।
कंप्लेंट भी डाल दी मैं। अच्छा, दो बंदों ने डाली। कल मैं देखता हूं भाई। मैच में खाना पता नहीं क्या ही बकवास बनाया था, बिल्कुल पेट नहीं भरा, खाली बेफालतू में ले ली। कैंसिल करा के बाहर ही खाऊंगा यार पिछले साल की तरह। देखते चलो यार, कोल्ड ड्रिंक पी के काम चलाते हैं अभी। बाहर आके पता चलता है भाई असली खाने का स्वाद, जो घर पे नखरे करते हैं ना वो सब निकल जाते हैं बाहर आके। भाई आज पता चली, आज रोटियों की उसको देखो उसको, बहुत तो रो रहा खाने की वजह से। भाई ये तो शुरुआत है, अभी क्या क्या झेलना पड़ेगा। मैं तो पिछले एक साल से झेल रहा हूँ अभी कुछ नहीं है, ये पॉइंट वर भी नहीं है, खाने का तो कोई टॉपिक ही नहीं है। अभी देखियो क्या क्या हो, जो रो रहा है खाने की वजह से। ऐसे देखो ये बहुत ज्यादा रो रहा है क्योंकि यार मम्मी बना के देती तो मम्मी मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं मम्मी ये खाऊंगा मैं। अब वो सब यहाँ निकल लिया आके, अब किससे कहोगे ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। अब पैसे देने के बाद भी लाइन में लगना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा कब अपना नंबर आएगा। भाई बहुत प्रॉब्लम है, खाने की बड़ी मारा मारी है। आज मैच बुक करी तो इतना, और आज ही कैंसिल करूंगा। था ना क्या बना दिया, पर कुछ तो था कुछ तो था। ये लोग इंतजाम कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, हॉस्टल में बच्चे कम करने का इंतजाम कर रहे हैं। बच्चे हॉस्टल की जगह ज्यादातर हॉस्पिटल में रहे हैं। खाने में पता ही नहीं चल रहा, हम लोग खा लेते हैं पर पता नहीं चलता भाई खा क्या रहे हैं। ये देखो भाई, कूलर का पानी साफ करा था, हाथ में छाला पड़ गया। क्या हो गया, खुल नहीं रहा क्या, पीछे हो, मारू